धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम आपके महिमा करते मेरे प्रभु यीशु, हम आपकी बड़ाई करते हैं, हम आपकी तारीफ करते मेरे यीशु। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप ही हमारे सहायक है पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप ही हमारी रक्षा सुरक्षा करते हैं पवित्र आत्मा जी, हमारी सहायता करते हैं, हमें हर एक विपत्तियों से बचा के रखते हैं पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु नासरे, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे प्रवेशु। आप पवित्र हैं, आप धन्य हैं, आप महान हैं मेरे प्रवेशु। हम आपके महिमा करते हैं, हम आपके नाम की तारीफ करते हैं मेरे खुदावन, मेरे यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं मेरे खुदावन खुदा, आपके राज्य की प्रभु जी बड़ाई करते हैं पिता, आपके नाम की महिमा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु जी, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। हालेलुया, पवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, विश्व मंडल के प्रभु, इब्राहिम इसहाक याकूब के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन, मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर शाम के लिए मेरे पिता, हम आपकी महिमा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आइए आज के शाम के वक्त में हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु की महिमा, प्रभु की तारीफ करेंगे। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आइए आज के शाम के वक्त में हम आपकी विपत्तियों के लिए, आपकी समस्याओं के लिए, आपके दुखों के लिए, आपके परिवार में आपके बच्चों के लिए, आपके माता पिताओं के लिए, आपकी बीमारियों के लिए, आपके परिवार में जो लोग भी बीमार है उसके लिए सब मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। यदि एक मन होकर, प्रभु का वचन कहता है, यदि दो जन एक मन होकर प्रार्थना करें और मुझसे मांगे, मेरा पिता वही उसे प्रदान करेगा। यदि आज हम लोग मिलकर एक मन हो, सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और प्रभु से कुछ मांगेंगे, प्रभु से विनती करेंगे, तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, उत्तर देगा और आपको भी स्वस्थ करेगा, आपको स्वस्थ करेगा, आपके परिवारों में आशीष और बरकत देगा। तो आइए आज के शाम के वक्त में सबसे पहले हम प्रभु के एक वचन को देखते हैं। हम वचन निकालते हैं रोमियो अध्याय 8 पद संख्या 28, जहाँ पे लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही पैदा करती है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज का वचन हमें बताता है कि जो लोग सचमुच परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करते हैं। यदि आज आपको लग रहा है कि हमारे जीवन में ये दुख, समस्याएं, ये विपत्तियां हैं, तो समझ लीजिए कि आज वो सारी विपत्तियां, वो समस्याएं, सारी बीमारियां मिलकर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करते हैं। यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं, सब दुख विपत्ति, सब बीमारियां आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। आपके लिए कोई भी शैतानी आत्मा आएंगी आपको हानि करने के लिए, आपको हानि पहुंचाने के लिए, लेकिन उन्हें कोई पता नहीं होगा और वो आपके लिए भलाई करके जाएगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यदि आज आप प्रभु से जुड़े हुए हैं, प्रभु में बने हुए, रोज प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, तो सब बातें मिलकर आपके लिए भलाई को पैदा करेगी। सब बातें, आपके दुश्मन आपको हानि पहुंचाने के लिए सोचेंगे, लेकिन उनकी हानि जो करने की सोच रहे, वो हानि एक अच्छाई में बदल जाएंगे, आपके लिए अच्छा होकर के जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग प्रभु पे विश्वास करें और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते रहें। कभी भी न घबराए कोई भी दुख विपत्तियों में, हमेशा इन बातों को याद रखें कि आपके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही पैदा करेंगे। तो चलिए आज के शाम के वक्त में हम धन्यवाद करेंगे प्रभु का, प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की बड़ाई, प्रभु की प्रशंसा करते हैं। आइए सब मिलकर अपने हाथों को उठाकर, आंखों को बंद कर प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तू महान है, तू पवित्र है, तू जीवित अनुग्रहकारी सामर्थ्य है मेरे प्रभु यीशु, तू दयालु है मेरे प्रभु यीशु, तू सत्य प्रतिज्ञ है मेरे खुदावन खुदा। मेरे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर शाम को दिखाने के लिए मेरे प्रभु यीशु, अपनी उपस्थिति में अपनी महिमा करने के लिए, बुलाने के लिए खुदावन मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया मेरे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु आज के शाम के वक्त में हम हर एक भाई बहनों को, माता पिताओं को, उनके बच्चों को प्रभु जी, उनके रिलेशन को प्रभु जी, हर एक लोगों को प्रभु जी, आज के शाम के वक्त में सबसे पहले हम आपकी उपस्थिति में देते हैं, आपके हाथों में देते हैं मेरे खुदावन खुदा। तू दया करने वाला परमेश्वर है, तू विपत्तियों से छुड़ाने वाला, संकटों से आजाद करने वाला मेरे पिता, प्रभु जी तू उन्हें सुख,
और प्रभु जी आज के इस शाम के वक्त में तू हर एक लोगों को आंसू मेरे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं हर एक लोगों को अपनी उपस्थिति में ले ले मेरे खुदावन, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु जी तू दया कर, तू क्योंकि दयालु है प्रभु जी, तू अपनी करुणा बरसा, तू अपनी दया अपनी आशीष अनुग्रह बरसा मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु जी आज के इस शाम के वक्त में हम प्रार्थना करते मेरे पिता प्रभु जी, हम आपकी महिमा करते हैं, तू महिमा के योग्य है प्रभु जी, तू पवित्र है, तू महान है मेरे खुदावन, आपने इस जगत की रचना की, आपने हमें बनाया मेरे प्रभु जी, आज दिन भर में हम जहां कहीं भी गए मेरे खुदावन मेरे पिता आप हमारे साथ रहे, हमारे रक्षा किए हैं। हे मेरे प्रभु जी आज के इस दिन में आपने हमें हर एक विषैले जीव जंतुओं से, दुर्घटनाओं से, समस्याओं से, बीमारियों से आपने हमें बचा के रखा, हमारे परिवारों को बचा के रखा मेरे खुदावन पिता, और अपने महिमा करने के लिए हमें चुना है मेरे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर, हम आपकी बड़ाई आपकी महिमा करते हैं मेरे खुदावन। खुदावन तू महान है, तूने लाल समुद्र को दो भागों में विभाजित किया मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे प्रभु यीशु, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दिया। हे मेरे प्रभु यीशु, आपके लिए कोई भी कार्य, कोई भी चीज असंभव नहीं मेरे खुदावन। खुदा मेरे यीशु, आपने हमें नया जीवन दिया है मेरे प्रभु यीशु, आपने हमें प्रभु जी नई श्वास दिया है मेरे खुदावन। खुदा प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जी आपने हमारे हर एक कार्यों पर आज के इस दिन में आशीष दिया, सफल बनाया, हमें हर एक तरह के पापों से, अपराधों से बचा कर रखा मेरे पिता परमेश्वर। लेकिन प्रभु जी आज के इस दिन में हमसे जो भी अनजाने में मेरे प्रभु जी पाप हुआ है मेरे पिता, हम नहीं जानते उन पापों के बारे में, लेकिन मेरे प्रभु जी आप जानते हैं। प्रभु जी आज के इस दिन में हमारे भाई बहन, हमने जो भी पाप किया मेरे खुदावन खुदा, उन पापों को क्षमा कर और हम पर दया कर, अनुग्रह बरसा मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम दोबारा उन पापों को ना करें, आपके मार्गों पर चले मेरे पिता परमेश्वर। हमें उन पापों को बता प्रभु जी, ताकि हमें उन पापों को जानकर प्रभु जी, उन पापों को याद कर उन पापों को प्रभु जी आपके सामने स्वीकार करें मेरे पिता परमेश्वर। तू दया कर हमारे ऊपर, तू दया का सागर है प्रभु जी, तू करुणा का सागर है मेरे खुदावन खुदा, तू दया कर, अपनी दया और अपनी महिमा, अपनी करुणा, अपना प्रेम हमारे ऊपर बरसा मेरे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते मेरे प्रभु जी, तू दया कर। और प्रभु जी आज के इस रात में मेरे प्रभु जी, जितने लोग प्रभु जी आज बीमार है मेरे प्रभु जी, जो लोग अपने कार्यों को सोच रहे, जो लोग आपकी ओर देख रहे मेरे पिता, तो उन सारे भाई बहनों पर दया कर, उनके कार्यों को सफल बना प्रभु जी। जो लोग प्रभु जी बहुत दिनों से अपने कामों को लेकर चिंतित है मेरे प्रभु जी, जो भी कार्य सोच रहे कि वो सफल हो मेरे पिता, तो उनके कार्यों पर आशीष दे, उनके कार्यों को सफल बना, उनकी योजनाओं को सफल बना। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते मेरे खुदावन खुदा, जो लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल में पड़े हुए प्रभु जी आज जो लोग मौत से लड़ रहे हैं मेरे खुदावन खुदा, तो उन लोगों पर दया कर। हे मेरे यीशु, तो उन्हें स्वस्थ कर, तो उन्हें चंगा कर मेरे पिता परमेश्वर, तो उन्हें डिस्चार्ज कर हॉस्पिटलों से मेरे पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती करते मेरे प्रभु यीशु, आपके नाम में छुटकारा है, यीशु नाम में चंगाई है मेरे प्रभु जी, आपके नाम से हर एक लोग चंगे हो जाए, आपके नाम से हर एक लोगों के कार्य सफल होने पाए। हे मेरे प्रभु यीशु, हम आपसे विनती करते हैं। हे मेरे प्रभु यीशु, तू दया कर मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु जी जिनके बच्चे प्रभु जी आज गलत संगति में, नशों में है मेरे प्रभु जी, जिनके परिवार में कोई लोग, उनके माता पिता, उनके भाई बहन नशों में मेरे पिता परमेश्वर, तू उन्हें नशों से आजाद कर, गंदी आदतों से, गंदे रिलेशन से उन्हें आजाद कर मेरे पिता परमेश्वर, तू उन्हें प्रभु जी हर एक तरह से आजाद कर, तू ही मुक्तिदाता है प्रभु जी, तू उन्हें आजाद कर, तू ही उद्धार करता है, उनका उद्धार कर हर एक पापों से, हर एक गलत रास्तों से प्रभु जी, तू उन्हें निकाल। हे मेरे प्रभु यीशु, हम आपसे विनती करते हैं और उन सारे भाई बहनों को, माता पिताओं को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु जी। आज के इस रात में हर एक लोगों को सुरक्षित रख और सुख शांति की नींद प्रदान कर मेरे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं मेरे प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं। आज के इस रात में हर एक लोगों को अपने पंखों की आड़ में अपने प्रभु जी लहू से ढक ले। हे मेरे पिता परमेश्वर, हर एक विषैले जीव जंतुओं से, दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से बचा कर रख, महामारियों से बचा कर रख। हम विश्वास के साथ प्रभु जी इन सभी प्रार्थनाओं को आपके नाम से, प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन।